Hi guys, welcome back to my channel Your Beauty Room. So कैसे हैं आप सब लोग guys? I hope you all are doing great today. आज की वीडियो है बेसिक टू एडवांस नेल कोर्स की क्लास 2 वीडियो. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा डिफरेंट शेप्स ऑफ नेल्स. इन नेल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि कोई आपके पास आएगा बोलेगा मुझे राउंड करना है, कोई बोलेगा मुझे स्ट्रेट रखना है, कोई बोलेगा मुझे ये शेप करना है, कोई इस शेप की पिक दिखाएगा, कोई उस शेप की पिक दिखाएगा. सो आपको जब तक पता नहीं होगा कि ये नेल शेप को क्या कहा जाता है या इस नेल शेप को कैसे बनाया जाता है, तब तक आप कैसे काम करेंगे. तो पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी कि डिफरेंट नेल शेप्स क्या होती है, उसकी पिक मैं आपको दिखाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें डिफरेंट नेल शेप्स क्रिएट कैसे करनी है. एंड नेल शेप्स को समझने के लिए आपको अगेन मैं चार्ट पेपर पर ही बताऊंगी कि डिफरेंट नेल शेप्स क्या हैं. तो चलिए हम चार्ट की तरफ चलते हैं. पहले तो यहाँ पर है मेरे पास कुछ नेल शेप्स के चार्ट. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. सो वन बाई वन मैं आपको बताऊंगी. आप इस चीज के नोट्स बना सकते हो या फिर आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो डिफरेंट शेप का. ये कलर्ड नहीं है बट आई होप इतना है कि आप लोग समझ जाओ. सो सबसे पहला जो नेल शेप होता है दैट इज नेचुरल. नेचुरल नेल शेप क्या होता है, आप लोग भी सोचोगे कि नेचुरल नेल शेप क्या होता है. देखो जो नेचुरल नेल शेप है वो क्या है, कुछ नेल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल शेप राउंड होती है, कुछ नेल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल शेप स्ट्रेट होती है, कुछ नेल्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल शेप आलमंड होती है. सो दिस इज नेचुरल, मतलब जो भी आपका नेल है वो किस शेप का है, मतलब उसका मोर ऑफ द किस साइड है, राउंड में है या स्क्वायर में है, वो हमें देखना है. सो सबसे फर्स्ट शेप जो है दिस इज द नंबर 1 शेप. दिस इज ओवल शेप. ओवल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अंडा ओवल होता है. दिस इज द ओवल शेप. ठीक है, सो ये ओवल शेप होता है जो थोड़ा राउंड होती है, कंप्लीटली राउंड आप इसको बोल सकते हो, बट इतना ज्यादा शार्प नहीं होती है, राउंड में ज्यादा होती है. ठीक है, दिस इज ओवल शेप नंबर 1. नंबर 2 इज स्क्वायर शेप, मतलब जो नेल आगे से एकदम स्क्वायर है. ये नेल लेकर आए और मैंने अगर इस नेल को इस तरीके से फाइल कर दिया तो ये एकदम स्क्वायर नेल बन जाएगा. ठीक है, वेरी इजी. थर्ड वन इज आलमंड शेप. आलमंड मींस बादाम, एकदम बादाम की शेप. जिस किसी को चाहिए तो लाइक यहाँ से थोड़ा सा आगे से राउंड है, पूरा ओवल है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंटी के साथ ओवल है. ठीक है, ये था हमारा यू नो ब्रॉड ओवल और ये आगे से है थोड़ा पॉइंटी है ये, तो दिस इज आलमंड शेप. उसके बाद शेप आती है स्क्वायर राउंड शेप. तो यहाँ से तो ये स्क्वायर है और ये जो एजेस है ना ये राउंड है, मतलब कि हमने बस ये जो हमारा स्क्वायर था ना इसकी एजेस को राउंड कर दिया तो स्क्वायर राउंड शेप बन गई हमारी. ठीक, तो दिस इज स्क्वायर राउंड शेप. ठीक, फिर आती है स्कोवल. स्कोवल क्या है, स्क्वायर के साथ ओवल है. यहां तक तो स्क्वायर था, यहां से स्क्वायर है. ओवल में आप देखोगे यहाँ पे राउंड है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे स्क्वायर है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा ओवल शेप लेने का ट्राई कर रहा है. ठीक है, ये जो एजेस हैं ये पूरे इस तरीके से राउंड है, यहाँ पे पूरा एंड तक स्ट्रेट आएगा, फिर ये कॉर्नर्स पे जो इसका नेल वॉल है वहां पर राउंड आएगा. ये पूरा हम यहीं से ही राउंड कर देंगे, बट दिस पोर्शन, इतना जो पोर्शन है ना, आप सोचिए इतना पोर्शन स्क्वायर रहेगा. दिस इज स्क्वेबल. तो दिस इज नंबर 4th एंड दिस इज नंबर 5th. देन कम्स कॉफिन एंड बैलरीना. ये शेप को मैं बाद में एंड में लूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है. उसके बाद आती है शेप स्टिलेटो. स्टिलेटो मीन्स जो बहुत ज्यादा शार्प हो. स्टिलेटो इज अ टाइप ऑफ हील्स. जो बहुत ज्यादा पॉइंटी हमारे शूज होते हैं उनको हम स्टिलेटो बोलते हैं. जो हील्स होते हैं, हील पोर्शन नहीं, जो आगे से हम लोग इस तरीके के पॉइंटी शूज पहनते हैं ना, हील्स पहनते हैं ना, वो स्टिलेटो होते हैं. तो उसी शेप का ये है नेल जो बहुत ज्यादा आगे से पॉइंटी होता है, उसको बोलेंगे हम स्टिलेटो. तो दिस इज नंबर 6. नंबर 7 आप आएगा कॉफिन एंड नंबर 8 आएगा बैलरीना. इसमें जो इन्होंने शेप दिया हुआ है दिस शेप इज बैलरीना. बैलरीना क्यों है ये, क्योंकि जो हम बैले डांस करते हैं उसके जो शूज होते हैं ये एग्जैक्टली उसी शेप का है. दैट इज वाई वी कॉल्ड इज बैलरीना. ठीक है, मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ
कॉफिन और बैलरीना का, तो हमें ये अलग अलग लेके चलना है. नंबर वन इज ओवल, देन स्क्वायर, आलमंड, स्क्वायर राउंड, स्कोवल, कॉफिन, बैलरीना एंड स्टिलेटो. तो टोटल 8 शेप्स हो गए. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एकदम से डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कॉफिन और बैलरीना में. ये जो शेप था यहाँ पर वो बैलरीना था. क्यों था बैलरीना? क्योंकि इसका जो शेप आप देख रहे हो ना, नेल का जो शेप आप देख रहे हो, ये पूरा राउंड है. यहाँ पे इट्स टोटली राउंड, जैसे हमारे बैली शूज होते हैं. और ये जो कॉफिन है इट्स टोटली स्ट्रेट. कॉफिन, कॉफिन जिसमें हम लाइक कॉफिन क्या होता है, जिसमें मरने के बाद लाश को रखा जाता है, तो उसका क्या शेप होता है कॉफिन का? कॉफिन का शेप कुछ इस तरीके का होता है. इस तरीके का कॉफिन का शेप होता है. तो ये जो पोर्शन है ना पूरा स्ट्रेट होता है कॉफिन में, बट बैलरीना में जो ये पोर्शन है ना वो राउंड में जाता है थोड़ा. ठीक है, यही डिफरेंस है. आप देखिए यहां पर मैं ये जो एज जा रही है, दिस इज राउंड, कंप्लीटली राउंड में जा रही है. और यहां जो एज जा रही है, जो साइड वॉल जा रहा है नेल का, दिस इज स्ट्रेट. आपने देखा ये थोड़ा राउंड में है, ये थोड़ा स्ट्रेट है. आगे से भी ये स्ट्रेट रहेगा, ये भी आगे से स्ट्रेट रहेगा. ये यहाँ साइड वॉल से स्ट्रेट जाएगा, बट ये यहाँ साइड वॉल से थोड़ा राउंड जाएगा. तो हमें शेप को इस तरीके से देना होगा कि वो यहाँ से राउंड जाए, आगे से स्ट्रेट रहे और फिर यहाँ से राउंड जाए. तो दिस इज बैलरीना. और कॉफिन में हमें देना होगा कि साइड वॉल्स भी उसके स्ट्रेट जा रहे हैं और आगे से तो स्ट्रेट है ही. आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बहुत सारे लोग कॉफिन और बैलरीना में कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉफिन को बैलरीना बना देते हैं, बैलरीना को कॉफिन बना लेते हैं. दोनों ही शेप की अपनी एक अलग चार्म है. डोंट से कि मैम सिर्फ राउंड करने से और स्ट्रेट करने से क्या फर्क पड़ेगा. बहुत सारा फर्क पड़ जाता है. अब मैं आपको इस पिक में दिखा देती हूँ, सारे शेप्स में नहीं है बट स्टिल आई विल शो यू. ये है स्टिलेटो, आप देखिए ना आगे से कितना पॉइंटी है. दिस इज ओवल जो पूरा यहाँ से राउंड है. दिस इज स्क्वायर एकदम स्ट्रेट है. दिस इज आलमंड, ओवल और आलमंड में साफ डिफरेंस नजर आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा पॉइंटी है. दिस इज स्क्वेवल यानी कि स्क्वायर के साथ कॉर्नर्स को राउंड किया गया है. सो दीज आर ऑल द शेप्स. इसके बाद कुछ अलग शेप्स भी आते हैं, जैसे आता है लिपस्टिक शेप. इस शेप के भी नेल्स आते हैं बट दे आर नॉट वेरी इन इंडिया. तो मैं इंडिया के कॉन्सेप्ट को लेकर ही चल रही हूँ. आई एम नॉट टेकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन दिस कोर्स. मैं इंडिया के कॉन्टेस्ट में लेकर ही चल रही हूँ. जो हम नेल्स करेंगे उनकी भी हम लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, जितनी इंडिया में लोग पसंद करते हैं उतने ही लेंथ के हम लोग नेल्स बनाएंगे. सो दिस इज लाइक ये शेप होता है लिपस्टिक शेप. ठीक है, ऐसे ही एक दो शेप्स और हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक यू नो डेमंस के नेल्स होते हैं ना एकदम शॉप वाले, वो नेल्स भी होते हैं. बट इंडिया में आपको अगर इतने नेल्स बनाने आ गए तो समझिए आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं. इसके आगे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल नहीं है. आप जब सीख जाएंगे तो देख देख कर अपने आप ही करने लगेंगे. सो ये टोटल 8 शेप्स आपको पता होने चाहिए, उनका डिफरेंस क्या है. So guys, this was all for today's video, जिसमें मैंने कवर किए थे नेल के शेप्स. आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, आपने नोट्स ले लिए होंगे. अगर नहीं लिए तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखकर नोट्स बना सकते हैं. टोटल शेप्स के आप यू नो डायग्राम बना सकते हैं अपने नोट्स में. सो टोटल शेप्स मैंने आपको बता दी. ये शेप्स हमको क्रिएट कैसे करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. एंड दैट वीडियो विल बी डेमो वीडियो, काइंड ऑफ की प्रैक्टिकली हम बना रहे हैं कैसे बनाना है हमें शेप नेल का. सो दिस वॉज ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, अगर आपको लगा है कि कुछ भी नॉलेज मैंने आपको इसमें शेयर की है, देन डेफिनेटली गिव मी अ बिग थम्स अप. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज यशिका गौतम. एंड यू कैन अगेन फॉलो मी ऑन माई अनदर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज योर ब्यूटी रूम. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके भी काम आता है. आई होप आई एम गोइंग वाइंड अप दिस वीडियो ओवर हियर. मेरी बेल भी बज गई है, आई थिंक माई डॉटर इज देयर.
So guys, I'm just winding it up here. I will see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.